हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 14, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और कैसे ये ट्रेवल करती है किसी सर्किट के अराउंड, वो सब कुछ जानेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक सेल एंड इट्स टाइप के, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, बल्ब तो आपने देखा ही होगा है ना, वो क्या चीज होती है, कैसे काम करती है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, मतलब वो पाथवे जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी रन कर रही होती है, और आगे है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, प्रिकॉशंस अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से बचे कैसे, करंट ना लग जाए हमें। आगे बोल रहे हैं, व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन आर होम्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, फैक्ट्रीज के, बताइए इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ कैसे होती है। इजंट इट हार्ड टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी जिंदगी मतलब कैसे होती, बड़ा मुश्किल है ये सब चीज जानना। क्योंकि यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इतने सारे, जिसमें इतने सारे आप खुद भी इस्तेमाल करते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी से ट्रेन चलती है, डीजल से भी चलती है कई सारी, पर उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगे होते हैं ना, कितने सारे पंखा लगा होता है, लाइट लगी होती है, इतने सारे तरह के सिग्नल्स लगे होते हैं, वो सब नहीं होते तो कैसे चलती है ट्रेन। आगे आपका मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो सारी भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन करती हैं। क्या बोल रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक सेल, एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, आपने बैटरी देखी है, मतलब कि आपके टीवी के रिमोट के अंदर जो सेल लगता है उस सेल की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, एक तरह के उसके अंदर केमिकल्स भरे होते हैं, वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा टीवी का रिमोट चलता है और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स चलते हैं। आपका खिलौना कोई सा होगा उस सेल से चलने वाला, तो वो भी चलता होगा उससे। मैनी डिवाइसेज लाइक टॉर्च, वॉच, अलार्म क्लॉक्स, मोबाइल, कैमरा, टॉय एक्सेट्रा आर रन बाय सेल्स, बहुत सारी चीजें देखिए, एग्जाम्पल बता दिया मैंने। When the chemicals in an electric cell are used up, it stops producing electricity and has to be replaced with a new one. कि एक बार एक सेल जो है उसकी पावर खत्म हो जाए तो नया सेल लगाना चाहिए आपको। क्या बोलना है एक्टिविटी के अंदर, नेम सम ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हिच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी और सेल और बोथ, के कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का आप नाम बता दिए यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, जो कि चल रहे हो आपके इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। जैसे कि आप लिखती है मिक्सर, मिक्सी लिख दीजिए, मतलब मिक्सर, और आप लिख दिए वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, और जो चीजें बैटरी के ऊपर चल रही हो जैसे टॉय और टीवी रिमोट, और क्या लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश, और क्या लिख सकते हैं आप, बहुत कुछ लिख सकते हैं, टॉर्च, आगे रन बाय बोथ जो दोनों चीजों पे चल सके, वो आप एग्जांपल कर सकते हैं, दोनों चीजों पे जो चीज चल जाए है ना। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं फैन, टॉर्च, ये सब आते हैं मार्केट के अंदर दोनों तरह के, ठीक है, जो कि उस पर भी चल जाए और बैटरी पे भी चल जाए। और क्या लिख सकते हैं, टॉर्च लिख दिया आपने, फैन लिख दिया, ट्रिमर लिख दिए, ट्रिमर, ट्रिमर जो होता है बाल काटने के काम आते हैं, वो भी आपके दोनों चीजों पे चल जाते हैं। आगे बोल रहे हैं आपका ड्राई सेल्स, ड्राई सेल्स क्या होते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल इज ड्राई सेल, ड्राई सेल वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट जी लैक्लैंचे इन 1868। ड्राई सेल का जो है ना इजाद बहुत पहले हुआ था, 1868 में। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, कैलकुलेटर्स, कैमरा, टेप रिकॉर्डर्स एक्सेट्रा। ड्राई सेल इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर के केमिकल्स होते हैं ना वो ड्राई होते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं होता कि पिघल के बाहर निकल जाएंगे, जैसे कि आपकी कार के बैटरीज होती है उसके अंदर तेजाब टाइप का भरा हुआ होता है ना लिक्विड, वैसा लिक्विड नहीं भरा होगा उसके अंदर, होगा पर पाउडर शेप में होगा, थोड़ा सा उसमें पेस्ट होगा एक तरह से पेस्ट, इसलिए इसको ड्राई सेल बोलते हैं। कि आप इसको तोड़ भी दोगे ना, कुचल भी दोगे उसको, तो इसके अंदर से निकलेगा और ड्राई टाइप का निकला, ऐसा नहीं निकल के बाहर गिर जाए, पिचकारी मार दे, ऐसा नहीं होगा। दिस सेल इज कॉल्ड ड्राई सेल बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर नहीं भरी होती। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर अलग अलग चार्जेस फ्लो कर रहे हो, ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बोले अ ड्राई सेल हैज टू एंड्स और टर्मिनल, वन साइड दैट हैज स्मॉल स्मॉल सर्कुलर मेटल कैप इज द पॉजिटिव साइड, और दूसरी साइड जो होता है नेगेटिव साइड, ठीक है, ऊपर है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल किस काम आते हैं, बोले कि यार नीचे नेगेटिव टर्मिनल से ना आपका इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है, गौर समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं फिर जाते हैं यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हुए इधर से इधर चले आते हैं और ऐसे जाते रहते हैं, जाते रहते हैं, जाते रहते हैं जब तक कि पूरा डिस्चार्ज हो जाए बैटरी, ठीक है। तो अब जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसी चीज को तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सिटी मतलब ट्रेवल करना, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करा, करा दिया हमने, बीच में आप कोई भी लगा दिया यहाँ पे बल्ब वगैरह लगा दिए वो जल जाएगा, या फिर कोई और सी चीज लगा दी, टीवी का रिमोट लगा दिए वो चल जाएगा, जो भी लगाना चाहे, ऐसे काम करती है आपकी बैटरी।
आगे बोल रहे हैं, अ ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ अ जिंक केसिंग एंड अ कार्बन रॉड विद अ ब्रास कैप एट इट्स सेंटर। ये रहा देखिए, ब्रास का एक कैप लगा रखा है सेंटर के अंदर, और कैसे जिंक की केस है ये पूरी, जिंक की केस इसलिए ताकि बाहर कोई भी चीज फ्लो ना करे, एक तरह केज है वो। कार्बन रॉड है बीच के अंदर ये, और क्या बोल रहे हैं, द कार्बन रॉड इज सराउंडेड विद ब्लैक पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये जो है ना साइड में आपका जो मिक्सचर दिख रहा है, ठीक है, ये मिक्सचर जो है आपका ब्लैक कलर का, ये आपका है मैंगनीज, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है एंड ग्रेफाइट इज। दिस ब्लैक पाउडर इज आइदर कंटेन्ड इन अ थिन बैग ऑफ क्लोथ और इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉडस्ट। कैसे भी थोड़ा सा ना, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये लेयर सी जो चढ़ी हुई है साइड में, मतलब इसको, मतलब इसको भी थोड़ा सा ढक रखा होता है, मतलब के एक जगह पे बांध रखा होता है इस ब्लैक पाउडर को किसी कपड़े से या फिर किसी और लेयर से। द स्पेस बिटवीन द जिंक केसिंग एंड द सॉडस्ट इज फिल्ड विद थिक पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं ना आप व्हाइट व्हाइट, ये है अमोनियम क्लोराइड, ये भर रखा है इसके अंदर, बाहर के केस में और अंदर का जो ये था, ये ब्लैक पाउडर इन दोनों के बीच में। ये सब क्या आपस में काम करते हैं, एक जो है पॉजिटिव टर्मिनल का, ये जो आपका ब्लैक वाला हिस्सा वो तो पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है, और ये जो नीचे का ये जो है ना व्हाइट वाला एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये आपका जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। बाहर तो है आपके एल्यूमिनियम की केसिंग, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं, ये जिंक की केसिंग। आगे बोला, इन अ ड्राई सेल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम कार्बन इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। बोल रहे हैं कि अच्छा, आप ये चीज याद रखिएगा हमेशा के लिए कि भले ही यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हो, नीचे से ऊपर की तरफ, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं, पर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है आपकी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का अगर डायरेक्शन बताना हो ना तो मैं ऐसा बताऊंगा, और कहीं पूछे कि भाई इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो कर रहे हैं तो इस साइड, आप सोचेंगे उल्टा क्यों भाई, जिस तरफ फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसी साइड को हमें बोलना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ट्रांसफर हो रही है, तो हम ऐसा करते नहीं कन्वेंशन की वजह से, कोई आसानी हो जाए हमें इससे, हम इस तरीके से समझते हैं ना करंट को गुजरता हुआ, तो ज्यादा आसानी होती है कई सारे मामलों में हमें, ठीक है। वो कैसे होती है वो आप हायर क्लास में धीरे धीरे खुद ही समझ जाएंगे कि अच्छा हमने क्यों बोला है नॉर्मली करंट के डायरेक्शन को ये, जबकि इलेक्ट्रॉन तो इस तरफ फ्लो हो रहा है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज बता रहे हैं कि करंट की डायरेक्शन फ्लो होती है ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ में। आगे बोले, इन अ ड्राई सेल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस फ्रॉम कार्बन इलेक्ट्रॉन टू जिंक इलेक्ट्रॉन। सही बात है, ये कार्बन का इलेक्ट्रोड है और नीचे जिंक का इलेक्ट्रोड, ठीक है। फिर आगे बोले, द अदर वेराइटी ऑफ ड्राई सेल आर सिल्वर सेल, लिथियम सेल और बटन सेल्स। बहुत सारे आते हैं देखिए, आपका जो है खाली इस तरह का सेल थोड़ी आता है, बड़ा सेल आता है, छोटा सेल आता है, ड्यूरो सेल का है देखिए, और कितने तरह के आते हैं, एक तो छोटे से बटन टाइप के सेल भी आते हैं, ठीक है, और कुछ लिथियम सेल्स आते हैं आपके, ये सब तो वैसे ड्राई सेल ही होगा, ये सारे ड्राई सेल के एग्जांपल हैं, पर कई सारे अलग अलग तरह के सेल्स भी आते हैं, जैसे लिथियम सेल जो कि आपके मोबाइल के अंदर होते हैं, कुछ होते हैं सिल्वर सेल्स, और कुछ बटन सेल जो घड़ियों वगैरह में लगते हैं। दीज आर मच स्मॉलर इन साइज एंड देयरफॉर यूज्ड इन कैलकुलेटर्स, वॉचेस, कैमरास एक्सेट्रा। अनदर टाइप ऑफ ड्राई सेल इज नोन एज मरकरी। मरकरी भी एक तरह का ड्राई सेल है। अच्छा, ये सब लिथियम सेल, सिल्वर सेल, ये भी ड्राई सेल है, सारे एग्जांपल ड्राई सेल के ही, ठीक है, पर शेप अलग अलग है, उनके काम अलग अलग है थोड़े से। और मरकरी भरी आती है एक के अंदर, मरकरी सेल भी होते हैं खास तरह के सेल्स, ठीक है, उनका भी कुछ काम होता है। आगे बोल रहे हैं आप, एडवांटेजेस ऑफ ड्राई सेल। ड्राई सेल का फायदा ये है कि ड्राई सेल, मैं बार बार जो कह रहा हूँ वही नॉर्मल वाला सेल जो आपके घर में इस्तेमाल होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, लाइट एंड इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आगे है कन्वीनियंट टू यूज, बहुत ही आसानी से यूज किया जा सकता है ना, कोई उसके लिए रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है उसे इस्तेमाल करने के लिए, आपको कोई ज्यादा अटैचमेंट की जरूरत ही नहीं उसमें। आगे आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के कितने टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। द सेल्स विच कैन बी यूज ओनली वंस एंड कैनॉट बी रिचार्ज आर कॉल्ड प्राइमरी सेल। बस इतनी सी बात है, प्राइमरी सेल को आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल करेंगे और फेंकेंगे, यूज एंड थ्रो, उसे आप रिचार्ज नहीं कर सकते। ड्राई सेल, बटन सेल, मरकरी सेल एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सच सेल्स। आगे आपका, द सेल्स विच कैन बी रिचार्ज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल्स। ऐसे सेल जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं उनको हम सेकेंडरी सेल बोलते हैं। दीज आर यूज इन मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमराज एक्सेट्रा। इनको हम रिचार्ज करते हैं ना मोबाइल फोन का कैमरा, मोबाइल फोन है उसकी बैटरी अगर रिचार्ज नहीं होती, सोचिए बार बार हमें यूज करके रोज फेंकना पड़ता बैटरी को, कितना नुकसान होता। आगे बोल रहे, सोलर सेल्स आर
the example of secondary cells. अच्छा सोलर सेल्स क्या होते हैं? सोलर सेल्स देखिए, ये है आपका सोलर सेल, ये तो अपने अंदर ज्यादा स्टोर करता भी नहीं है एनर्जी, असल में लेता है सन से एनर्जी और लेकर ट्रांसफर कर देता है कहीं पे, लेता है एनर्जी और लेकर ट्रांसफर करता है, अपने अंदर थोड़ा सा जो है ना मतलब एनर्जी को रखता है जरा सी देर के लिए, फिर उसका ट्रांसफर करता है, तो वो भी एक तरह का सेल का एग्जाम्पल है। पर ये सोलर सेल्स करते क्या है, असल में सूरज की धूप जो है अपने ऊपर लेते हैं और उसे ट्रांसफर करा देते हैं आगे फिर ट्रांसमिशन लाइन में, जिससे कि घरों में बिजली आती है, सोलर पैनल्स बोलते हैं इनको हम। सोलर सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर यूज इन रिस्ट वॉचेज, कई बार ये घड़ियों में भी इस्तेमाल करे जाते हैं छोटे छोटे सोलर सेल्स, एंड कैलकुलेटर्स। सोलर सेल पैनल्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर यूज इन स्पेस स्टेशन एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट वगैरह में सोलर पैनल्स का बहुत यूज होता है, क्योंकि वहां पर तो वो नहीं ले आ सकते ना कुछ और मतलब भारी भरकम बैटरीज वगैरह, भारी कुछ और चीज, वहां तो सूरज की धूप बहुत अच्छे से निकलती है, उसी का इस्तेमाल करते हैं वो चलाने के लिए अपना स्पेस स्टेशन। आगे बोल रहे हैं, बैटरीज क्या होती हैं? When two or more cells are connected in such a manner that positive terminal of one cell remains in contact with the negative terminal of the other, that is called battery. कि बैटरी क्या, बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ दिया, बन जाएगी एक बैटरी। उसमें ये चीज देखिएगा कि एक का पॉजिटिव टर्मिनल है ना, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, तो बैटरी बनेगी। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव पॉजिटिव आपने जोड़ दिया तो बन गया आपका सेल, तब नहीं बनेगा। आगे बोल रहे हैं, डू यू नो अ ट्रेडिशनल लाइट बल्ब यूजेस 10% इलेक्ट्रिसिटी एज एक्चुअल लाइटिंग, द 90% ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट्स हीट। बोल रहे हैं कि जो आपका नॉर्मल लाइट बल्ब होता है ना, ये वाला बल्ब फिलामेंट वाला, उसका जितना आप एनर्जी देते हैं इसको जलाने के लिए बल्ब को, मान ली 100 वॉट है, तो 100 वॉट में से लगभग 90 वॉट 90% एनर्जी वो तो सिर्फ हीट जनरेट करने के लिए खत्म कर देता ही है, सिर्फ और सिर्फ 10%, समझ रहे हैं कितना नुकसान हो गया, मतलब के सिर्फ 10% का इस्तेमाल करता है वो लाइट जनरेट करने के लिए, जबकि CFL इससे कई 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 गुना ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा लाइट बनाने में इस्तेमाल होता है और बहुत थोड़ा सा हिस्सा हीट जनरेट करने के लिए। आगे बोले, इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज द स्मॉलेस्ट डिवाइस दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोवाइड अस लाइट, लाइट चलाने के लिए काम आते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, इज डिस्कवर्ड बाय थॉमस एडिसन इन 1879। देखो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे ये थॉमस एडिसन, ठीक है, पूरा नाम तो इनका मेरे ख्याल से थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि 1879 के अंदर क्या बनाया था इन्होंने, बल्ब बनाया था, और ऐसा कहा जाता है कि लगभग 2000 से भी ज्यादा बार जो है ना ये फेल हुए थे बल्ब बनाने में, तब जाके बल्ब बना था, उनको बनाने बनाने पूरी जिंदगी लग गई थी, मतलब 20 साल इन्होंने प्रैक्टिस करी थी बल्ब बनाने की, तब जाके बल्ब बना था इनसे। आगे बोल रहे हैं कि सही, मतलब असल में बल्ब बनाने में सबसे बड़ी चुनौती ये आ रही थी कि इसका फिलामेंट कौन सा इस्तेमाल करें कि वो चमके भी, जले भी और पिघल भी ना जाए, तो टंगस्टन का यूज करा था इन्होंने, टंगस्टन का अलग अलग तरीके से कई सारी चीजों को मिक्स करके फिलामेंट बनाया था इन्होंने, ठीक है, सही अमाउंट में, जिससे कि जला बल्ब। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास केसिंग, ग्लास की केस होती है इसमें, विच कंटेन अ थिन कॉइल्ड वायर made of tungsten, this wire is called filament, this filament is supported by two thick wires on two sides, बोलने के जो है ना दो तार आपको देखेंगे साइड में, एक ये तार हो गया एक ये तार हो गया, इसके बीच में फिलामेंट है ना, ऐसे करके आपका एक बल्ब बना होता है। One of the wire is connected to the metal casing around the base of the bulb and the other is connected to the metal strip of the base. बोल रहे हैं कि इसमें से एक तार तो ये साइड के जो आप ये देख रहे हैं ना, ये गोला इसमें अटैच कर रखा होता है, और दूसरा होता है इसका तार कनेक्ट हुआ, और नीचे जो है ना एक वो होता है मेटल की स्ट्रिप होती है, दो स्ट्रिप उन्हीं से कनेक्ट कर रखा होता है दूसरी तार को, ठीक है, तो दोनों से हो जाता है लाइट बल्ब जल जाता है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं, मतलब कि कनेक्शन पूरा हो गया, बन गया आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप of the base are the two terminal of the bulb, के base है ना बल्ब का, देख बोल रहे हैं कि ये जो है ना तार, ये जो तार है ये एक तो जुड़ गया है इससे, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो गोला है इससे, और दूसरा वाला तार जो है वो नीचे गया है, नीचे और इससे जुड़ गया है, ये नीचे पॉइंट है निकला हुआ, तो जब इसे हम कनेक्ट कर देते हैं होल्डर के अंदर तो इधर से भी इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है और ऐसे गुजरते हुए इधर से बाहर निकल जाती है, ठीक है, तो आपका ये जल जाता है फिलामेंट, ठीक है, और यही फिलामेंट अगर जो है टूट जाए बीच से जलने की वजह से किसी और वजह से तो बोल देना फ्यूज हो गया बल्ब, यही फिलामेंट जलता है आपका बल्ब के अंदर, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए इस डायग्राम में ये रहा फिलामेंट,
ठीक है, ऐसे ही बल्ब आते हैं मार्केट के अंदर, बहुत तरह के शेप्स आते हैं इस तरीके के, फिलामेंट हो सकता है, बहुत सारे फिलामेंट लगा रखे हैं कि बल्ब के अंदर, तो बहुत तेज जलेगा ये। आगे क्या बोल रहे हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं इनके दोनों टर्मिनल की, एक दूसरे को टच ना करे, बिल्कुल सही बात है। आगे बोल रहे हैं द टंगस्टन, अच्छा ये बीच की जो है ना हवा, ये वैक्यूम नहीं होती, वैक्यूम तो होती नहीं है, और ना इसके अंदर ऑक्सीजन भर सके, वरना आग लग जाएगी अंदर ही, फट जाएगा बल्ब। इसके अंदर आर्गन भरा जाता है, आर्गन क्या है, एक तरह का है नोबल गैस जो कि रिएक्ट नहीं करता किसी चीज पर, हाई टेम्परेचर पर भी बिल्कुल स्टेबल रहता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बल्ब के अंदर भरने के लिए। आगे बोल रहे हैं द टंगस्टन फिलामेंट गेट हीट अप टू अ टेम्परेचर 2000 से 3000 डिग्री, इतना ज्यादा गर्म हो जाता है टंगस्टन का फिलामेंट केल्विन व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा डिग्री केल्विन में बोल रखा है, आपने सेल्सियस सुना होगा और फ़ारेनहाइट सुना होगा, दोनों में एक फर्क होता है। असल में होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की, तो उस टाइम पे केल्विन के मामले में बात कर रहे हैं ना, तो 273.15 डिग्री केल्विन तक पहुंच चुका होता मामला, ठीक है। तो हमेशा जो है केल्विन का आंकड़ा शुरू होता है माइनस, जब 0 डिग्री केल्विन हम बोलते हैं ना, तो हम बोलना चाह रहे होते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस, तो होता है शुरू 0 केल्विन, और फिर आगे बढ़ता रहता है अपने साथ में। जब ये कह रहे हैं कि 3000 डिग्री केल्विन, मतलब कि डिग्री में आप इसे कम जो है ना कम कर दिए, डिग्री में कहना चाह रहे होंगे, इसमें से लगभग 300 पौने 300 माइनस कर दिए, तो कितना हो गया 2725, लगभग 2725 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है ये आपका ये बल्ब, समझ गए। आगे बोल रहे हैं आपका व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट दिस कॉजेज द जनरेशन ऑफ लाइट ऑन इट्स सरफेस Which continues as long as the bulb is supplied with current. जब तक करंट बहेगा तब तक इसके अंदर लाइट जलती रहेगी। Along with light, the bulb also generates wasteful heat. कि लाइट के साथ बहुत सारी बर्बाद हो जाने वाली हीट भी जनरेट करता है बल्ब। This makes the glass casing and the base of the bulb quite hot. That results in the lightning of a bulb. You should always take due to precautions while handling an electric bulb when they are switched on. कि जब बल्ब जल रहे हैं उसे छूने की कोशिश मत करिए क्योंकि गर्म होगा बहुत ज्यादा, है ना। आगे बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, वो पाथ जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, होते होते जाएंगे इस बल्ब के अंदर से, गुजरेंगे इलेक्ट्रॉन्स और वापस चले आएंगे बैटरी के अंदर, ठीक है, दूसरे टर्मिनल में। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है धीरे धीरे, पर ये बल्ब तब तक जलता जा रहा है, तो इसी प्रोसेस में ये जो पूरा सर्किट बना हुआ है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट मतलब के क्लोज लूप को बोल देते हैं सर्किट, या कहें तो क्लोज पाथ को। द बल्ब लाइट्स अप बिकॉज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस थ्रू इट, द बैटरी वायर एंड द बल्ब फॉर्म अ पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट टू फॉलो थ्रू दिस पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन एनर्जी सोर्स, मतलब की बैटरी जिससे कि एनर्जी दे सके इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन दे सके, एंड दी अदर कॉम्पोनेंट जैसे कि वायर हो गए और बल्ब हो गए, फॉर्म एन इलेक्ट्रिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आगे बोले इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। बोल रहे हैं कि हमेशा जो है ना डायरेक्शन ऑफ द करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव बताया जाता है, पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की तो कैसे होगी, आप बता सकते हैं मुझे आसानी से कि नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा होंगे इलेक्ट्रॉन्स जो कि जा रहे होंगे इधर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स, पर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन मानते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी की, कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ट्रेवल कर रही है, क्यों, क्योंकि इससे हमें आसानी होती है बहुत सारी चीजें समझने के लिए, वो आप हर क्लास में समझ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जब भी बोले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो होगा ना उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, An electric current can flow through a closed circuit. A closed circuit is continuous or broken. On the other hand, the circuit with a gap called an open circuit. बोल रहे हैं कि अगर आपने गैप कर दिया सर्किट के अंदर तो वो ओपन सर्किट कहलाएगा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। देखिए यहाँ पे बल्ब जल रहा था, यहाँ नहीं जल रहा। आगे बोल रहे हैं एन ओपन सर्किट इज अ डिसकंटिन्यूअस और ब्रोकन पाथ, इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो थ्रू एन ओपन सर्किट। आगे बोल रहे हैं डू यू नो द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट इट्स डायरेक्शन इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए वही चीज बता दी जो मैंने आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने नॉर्मल करंट की डायरेक्शन ले रखी है। ऐसा क्यों करते हैं हम, ताकि हमें समझने में आसानी हो। क्या समझने में आसानी होगी वो आप हर क्लास में समझ जाएंगे। क्लोजिंग एंड ओपनिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द स्विच इज यूज्ड टू क्लोज और ओपन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। के भाई आप कब आपको बल्ब जलाना है कब नहीं जलाना है ये सब तो आप ही चूज करोगे, तो बीच में लगा दिए आप एक ऐसा मतलब स्विच जिसको आप जो बंद कर दें तो क्या होगा, मतलब कि क्लोज कर दें उस लूप को
तो जलने लगे आपका बल्ब, जब उस लूप को खोल दें तो वो बंद, मतलब वो जलना बंद हो जाए आपका बल्ब, ठीक है। जैसे कि लूप आपका क्लोज है, जल रहा है बल्ब, लूप खुला हुआ है तो नहीं जल रहा, ठीक है। तो इसको आप ओपन सर्किट बोल सकते हैं, इसको क्लोज सर्किट बोल सकते हैं। अब स्विच के बारे में बात करेंगे, तो हम बोलते हैं ना स्विच ऑन मतलब के लाइट ऑन, स्विच ऑफ मतलब के लाइट ऑफ, ठीक है, ये कहते हैं हम स्विच, यही चीज होती है। आगे बोल रहे हैं एक्टिविटी के अंदर कि आप क्या बनाइए, पूरी चीज बना लिए खुद से ही, एक पूरा स्विच वगैरह बना लीजिए, दो टर्मिनल बना लीजिए, बीच में बल्ब भी जला दिए, कुछ नहीं करना आपको, बीच में बल्ब जलाना है, बीच में बल्ब लगा दिया आपने, जला लिए बल्ब को, और इधर एक टर्मिनल है, इधर दूसरा टर्मिनल है, पीछे एक बैटरी लगा दिएगा, इसके दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिएगा। बीच में जो है ना एक वो भी होना चाहिए आपका, क्या कहते हैं इसको, एक पिन का यूज कर सकते हैं, पिन, जिस पिन को आप हटा देंगे ना वहां से, थोड़ा सा खोल देंगे, दोनों को टच नहीं कराएंगे तो बल्ब भी जलना बंद हो जाएगा। जैसे ही पिन को टच करा देंगे कि सर्किट पूरा हो जाए, तो आपका बल्ब भी जलने लगेगा, तो पिन आपका एक जस्ट एज अ स्विच काम करेगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं आपका ये एक्टिविटी दे रखी है, इसके अंदर आपको एक टॉर्च लेना है, उसको खोलना है बाहर से, उसके अंदर के कंपोनेंट्स को देखना है और समझना है कि भाई टॉर्च काम कैसे कर रहा है। कुछ नहीं है इसके अंदर, देखिए दो बैटरी लगा रखी है, बैटरी का जो है ना पीछे का हिस्सा कैसे जुड़ा हुआ है, एक स्प्रिंग के जरिए जो है ऐसे जुड़ा हुआ है, ये देखिए ऐसे ऐसे, और ये स्प्रिंग आते आगे आती जा रही है, यहाँ पे स्विच है ताकि आपको बंद करना हो या खोलना हो, टॉर्च को हमेशा जलाते रखेंगे बैटरी खत्म हो जाएगी। आगे जा रहा है ये सर्किट, और इधर से ये इसके फिलामेंट के अंदर से बल्ब के होते हुए गुजरते हुए सीधे चले आ रहा है, किधर, इसके अंदर, ये जो है आपका आगे का हिस्सा। तो पूरा हो गया, क्लोज हो गया सर्किट और जल गया आपका बल्ब टॉर्च का, और टॉर्च के अंदर बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं, उसको जानने की जरूरत नहीं आपको, है ना। यहाँ पर ये चीज समझिए, एक ऐसी शीट होती है जो कि ज्यादातर लाइट को सामने की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है। आगे बोले डू यू नो द स्पीड ऑफ लाइट इज कंसिडर फास्टेस्ट देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड एट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाता है ऑलमोस्ट लाइट जो है। तो लाइट की स्पीड दुनिया में, और दुनिया में क्या, अब तक ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा स्पीड में कोई चीज चलती हुई देखी है ना हमने, तो वो देखी है लाइट। Suppose that you have a light switch in your home connected to a bulb in on the moon, you could go around the world 0 times during the time it takes you to light the bulb by just turning on the switch. पता नहीं क्या लिखना चाह रहे थे 0 टाइम से, इन्होंने शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ये कहना चाह रहे थे कि आप जैसे ही लाइट मतलब मतलब के लाइट जैसी ऑन होगी मून के ऊपर, तो आप उस मून के लाइट को ना, क्योंकि मून देखिए आपका है 14, मैं देखिए डायग्राम से बता देता हूँ, मान लीजिए कि मून है और आप है यहाँ धरती के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, ये आप है अर्थ के ऊपर। अब यहाँ पे मून के ऊपर कोई लाइट जली, ठीक है, लाइट जली, तो लाइट जलेगी तो कितनी देर में उस लाइट को आप देख सकते हैं, कितनी देर में लाइट जो है ट्रेवल करते हुए आपके आंखों तक पहुंचेगी, बताइए। ये पहुंचने में टाइम लगेगा आपका लगभग 1.25 सेकंड, 1 सेकंड एंड 0.25 सेकंड, मतलब कि 1.25 सेकंड का टाइम लगेगा, ठीक है, यहां तक पहुंचने। क्यों मैंने ऐसा बोला 1.25 सेकंड, 2 सेकंड क्यों नहीं या 1 सेकंड ही क्यों नहीं, इसलिए क्योंकि मून से अर्थ की दूरी है लगभग 4 लाख किलोमीटर और लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर, तो 1.25 सेकंड में पहुंच जाएगी इसकी लाइट हमारे आंखों तक, ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी फास्ट है, और आपको ट्रेवल करना हो नॉर्मली 4 लाख किलोमीटर तो टाइम लग जाएगा, है ना, 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग सकता है, वो भी तब जब आप कई 1000 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो। आगे बोल रहे हैं सिंबल्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट, इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेंट सिंबल, जैसे कि आपका सेल है, सेल आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं, कहीं पे आपको सर्किट समझाना है तो आप उसका सिंबल बना सकते हैं, इस तरह का सिंबल होता है, सेल बना रखा है आपने, देखिए पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, बात खत्म। बैटरी बनानी हो तो ऐसे ही कई सारे सेल को जोड़ते हुए आप एक बैटरी को दिखा सकते हैं, अगर आपको बनाना हो तो आप जो है क्लोज सर्किट को दिखाना है तो ऐसे बता सकते हैं कि भाई स्विच है क्लोज हुआ हुआ है, ठीक है, लाइन पूरी क्लियर है। ओपन सर्किट दिखाना हो तो दिखा सकते हैं, भाई लाइन टूटी है बीच से, ओपन सर्किट है, खुली हुई है, नहीं ट्रेवल करेगा इससे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी। बल्ब को दिखाना हो ग्लो करते हुए तो आप ऐसे दिखा सकते हैं बल्ब और ऊपर एक लाइट के अंदर से रेडिएट कर रहा है लाइट को, ठीक है, और बल्ब नॉट ग्लोइंग दिखाना तो नॉर्मल ऐसे फिलामेंट बना दिए कि जल नहीं रहा अभी फिलहाल ये। आगे बोल रहे हैं कनेक्टिंग वायर्स को दिखाना हो तो दो कनेक्ट कर रहे हैं तार, ठीक है, जुड़े हुए ऐसे करके क्रॉस करके। आगे बोल रहे हैं व्हाट यू रन में,
फिल इन द ब्लैंक बोल रहे हैं, ड्राई सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच साइंटिस्ट इतना इन इतना। देखिए यहाँ पे ड्राई सेल है ना, साइंटिस्ट का नाम था जी लैक्लैंचे इन 1868, ये लिख लिएगा उसमें। सेकंड है आपका, इन अ ड्राई सेल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस फ्रॉम डैश इलेक्ट्रोड टू डैश इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिक करंट तो आपका फ्लो करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, लिख लिए। आगे आपका थर्ड में, फिलामेंट ऑफ अ ब्लड ऑफ अ बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन वायर, ये लिख लिएगा। फोर्थ में आपका, डैश आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर यूज इन डैश एंड डैश सैटेलाइट्स। तो सोलर पैनल्स, ठीक है, सोलर पैनल्स या सोलर सेल्स कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें, आर यूज्ड सोलर सेल या सोलर पैनल कुछ भी लिख लिया आप यहाँ पे, आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर यूज्ड इन सैटेलाइट्स एंड स्पेस स्टेशंस, ठीक है, नहीं ये लिख लिएगा आप, स्पेस स्टेशंस एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है, ये लिख लिया, हो गया आंसर आपका। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू डैश सर्किट, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट एक क्लोज सर्किट से फ्लो कर सकता है, तो यहां पे लिख दिया क्लोज। सिक्स आपका, अ डैश इज यूज्ड टू क्लोज और ओपन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो स्विच, स्विच का इस्तेमाल करते हैं हम उसके लिए। आगे आपका कॉलम दे रखा है, राइट द नेम ऑफ द सेल यूज्ड प्राइम, जैसे कि प्राइमरी सेल इन दीज devices in front of the device, write the name of cell used, कैसे cell का इस्तेमाल किया जाता है, primary cell का इस्तेमाल किया जाता है कि secondary cell का use किया जाता है, ठीक है, वो सामने लिख दिया। laptop के अंदर secondary cell का use किया जाता है क्योंकि recharge करना पड़ता है। toy car के अंदर किसी में primary cell का इस्तेमाल किया जाता है तो किसी में secondary cell का, तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, primary cell भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी सेल में भी, और डिपेंड करता है कि कार आपकी चार्जिंग वाली है नहीं हो, चार्जिंग वाली, वरना तो चेंज करना पड़ेगा आपको, चार्जिंग वाली नहीं है तो बैटरी को बार बार, दोनों आते हैं ना मार्केट में, तो आप यहाँ पे दोनों ही लिख सकते हैं बोथ। थर्ड है आपका, मोबाइल के अंदर सेकेंडरी बैटरी यूज होती है, टॉर्च के अंदर प्राइमरी बैटरी यूज होती है, वैसे सेकेंडरी भी होती है, दोनों ही यूज होती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वैसे लिख लिए, टॉर्च में आमतौर पर प्राइमरी यूज होती है, प्राइमरी लिख ली है। ट्रांजिस्टर्स के अंदर, अच्छा ये बोला है ना ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर देखिए कोई अपने आप में एक डिवाइस तो है, पर वो इस्तेमाल होता है बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस को बनाने के लिए, इस तरह के होते हैं ट्रांजिस्टर, है ना, जो कि कंपोनेंट्स होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के, आपके फोन के अंदर ट्रांजिस्टर, मतलब जो भी आप चीजें देखते हैं ना, एक तरह के स्विच के लिए काम आ जाता है, स्विच का काम करता है, किसी चीज को चलाने या बंद करने के काम आता है। तो आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देख लिया आप, जिसके अंदर थोड़ा सा ना, मतलब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो, ऐसे नहीं कि नॉर्मल कोई हीटर वगैरह हो, इतना नहीं, कोई सोफिस्टिकेटेड हो, जैसे कि टॉर्च, आपका टॉर्च तो नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक टॉर्च वैसा वाला हो, मतलब कुछ रिमोट कंट्रोल तो बात अलग है। आप खिलौने वगैरह में देख सकते हैं ट्रांजिस्टर्स को, कई सारे गैजेट्स में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो आते हैं आपके स्पीकर्स, आपके लैपटॉप्स, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टीवी, फ्रिज और बहुत कुछ जिसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है। तो इसको चलाने का दोनों तरीका हो सकता है, नॉर्मल आप जो है सेकेंडरी बैटरी से भी चला सकते हैं, प्राइमरी बैटरी से भी चला सकते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट से भी चला सकते हैं, तो यहाँ पे भी आप बोथ लिख दिया है ट्रांजिस्टर में। आगे आपका अलार्म क्लॉक, अलार्म क्लॉक आमतौर पर प्राइमरी बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा जरूरत ही नहीं होती उसकी एनर्जी की, तो प्राइमरी बैटरी चला देते हैं इसके अंदर। अब कौन रिचार्ज, मतलब छह महीने में करना पड़ेगा उसके लिए, उसकी जो है चार्जर को संभाल के रखो, इससे अच्छा भाई प्राइमरी बैटरी लगा दो इसमें, तो प्राइमरी लिख दी यहाँ पे। कार बैटरी क्या होती है, आपकी सेकेंडरी बैटरी होती है, क्योंकि चार्ज करना, चार्ज होता है वो बार बार, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ तक, फिर हम देखेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स।